हैं SBI 9 न्यूज़। SBI 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त खबर बताते हैं आपको कि जहां अभी तक इन बातों पर बात चल रही थी कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, अब इस बात पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। अब तक सक्रिय सियासत से दूर रही उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाल रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव लड़ सकती है, यह बात उन्होंने खुद स्वीकार की है। प्रियंका ने कहा कि पिछले एक महीने से पार्टी के भीतर यह बात चल रही थी कि मुझे यूपी में चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। प्रियंका यहाँ से लड़ेगी यह फिलहाल तय नहीं है, क्या योगी के सामने चुनाव लड़ेगी, इस सवाल पर उनका कहना है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह मुख्यमंत्री की उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब में सीएम चेहरा के सवाल पर कहा था कि आपको कोई और चेहरा दिखता है क्या। अब उन्होंने कहा कि इसका मतलब नेतृत्व से था, ना कि मुख्यमंत्री की उम्मीदवारों से। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं सीएम कैंडिडेट नहीं हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी अपना पूरा दमखम लगा रही है। उन्होंने यूपी में कांग्रेस की दशा और दिशा दोनों बदलने के लिए कई फॉर्मूलों पर काम किया। पहले प्रत्याशी बनाने में महिलाओं को 40% आरक्षण की घोषणा की, फिर महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र लाए। अब प्रदेश के 7.5 करोड़ युवा को साधने के लिए युवा घोषणा पत्र भी जारी किया है। बता दें कि कांग्रेस ने अब तक अपने 166 प्रत्याशियों के नाम दो सूचियों में जारी किए हैं, जिनमें से 117 चेहरे नहीं हैं। अब इन्हीं नए चेहरों के भरोसे चुनाव जीतने का फॉर्मूला सफल बनाने के लिए प्रियंका खुद भी चुनाव में उतरने का मन बना चुकी है। युवा घोषणा पत्र जारी करने के दौरान जब प्रियंका से पूछा गया था कि यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, तब उनका जवाब था कि मेरे अलावा आपको यहाँ कोई और चेहरा दिखता है क्या। प्रियंका के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वे कांग्रेस की ओर से यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती है या फिर है। हालांकि प्रियंका ने साफ कर दिया है कि वे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, लेकिन चुनाव लड़ सकती हैं। कहां से लड़ेंगी इसका फैसला भी नहीं किया गया। यूपी चुनाव में अगर कांग्रेस की सीटें इतनी नहीं आती कि वह सरकार बना सके, तो किसी राजनीतिक दल को समर्थन देकर सरकार में शामिल होने को लेकर भी प्रियंका ने बयान दिया है। और उन्होंने कहा है कि जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी तब वह तय किया जाएगा कि समर्थन किसे देना है। प्रियंका ने यह भी कहा कि जिस पार्टी को समर्थन देकर सरकार बनाएंगे तो उनका एजेंडा महिलाओं और युवाओं के लिए कांग्रेस द्वारा बनाई गई योजना पर काम कराने का ही होगा। संभवतः समर्थन देने की यह महत्वपूर्ण शर्त भी हो सकती है। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा SBI 9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।